बैलून एंजियोप्लास्टी का नाम तो हमने सुन ही रखा है, जिसमें कि हम एक बैलून के द्वारा हार्ट की धमनियों को खोलते हैं, जिसे कि हम बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। पर ये बैलून का इस्तेमाल कई बार वाल्व्स को खोलने में भी किया जाता है, जैसे कि माइट्रल वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है। इनको भी जब ये तंग हो जाते हैं तो वाल्व से खोला जा सकता है। अगर हम माइट्रल वाल्व को बैलून से खोलते हैं तो इसे हम बैलून माइट्रल वाल्वोप्लास्टी या BMV बोलते हैं। जब पल्मोनरी वाल्व को खोलते हैं तो इसे बैलून पल्मोनरी वाल्वोप्लास्टी बोलते हैं, या जब एओर्टिक वाल्व को खोलते हैं तो इसे बैलून एओर्टिक वाल्वोप्लास्टी बोलते हैं। ये जो बैलून होता है अक्सर जो कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी के बैलून है उनसे बड़ा होता है। इसमें बैलून को उस वाल्व के अक्रॉस ले जाया जाता है, बैलून को फुलाया जाता है और जैसे धमनियाँ खुलती हैं इसी तरह ये वाल्व भी खुल जाते हैं। और कई बार जिन वाल्व में सर्जरी की ज़रूरत होती है उसको बिना सर्जरी के इस बैलून से भी खोला जा सकता है।